बुधवार 1 अप्रैल 2020, केरान सेक्टर कुपवाड़ा जिला उत्तर कश्मीर। भारी बर्फबारी ने भारतीय सेना को अपने शिविर के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उड़ते ड्रोन नियंत्रण रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी रखते हुए उस इलाके की फोटो लगातार कमांड सेंटर को भेज रहे थे। रुको, जरा इसे जूम करो। ये डॉट देख रहे हो? लगता है शुरू हो रहा है। कोऑर्डिनेट निकालो। सर, जुमागुंड के केरन सेक्टर में घुसपैठिया हलचल नजर आ रही है। कमांडिंग अधिकारी ने बिना हिचकिचाहट आदेश दिया। 8 जाट रेजिमेंट तैयार करो, हमें खतरे को तुरंत विफल करना होगा। उसी दोपहर लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ दूर जाट पलटन ने बर्फ में कम से कम 4 से 6 जोड़ी पैरों के निशान पाए और फुटप्रिंट का पीछा करने लगे। इस बर्फबारी में वो ज्यादा दूर नहीं जा सके होंगे, सभी सतर्क रहिए। दूर पहाड़ी पर पेड़ों के बीच में उन्होंने 5 लोगों को भारी उपकरण ले जाते हुए देखा। मिल गए। दोपहर के करीब 1 बजे मुख्तसर गोलीबारी शुरू हुई। फिर वो 5 घुसपैठिए अपने भार को हल्का करने के लिए गोला बारूद से भरे बैग वहीं छोड़कर पहाड़ की ढलान उतरकर गहरी घाटी में कहीं खो गए। आतंकवादियों का जल्द ही शोधन किया गया। उत्तर में लाइन ऑफ कंट्रोल और दक्षिण में शमशाबरी चोटी के बीच सीमित आवा, कुमकाड़ी, जुरहुमा, सफवली, बटपोरा और हयहमा के गांवों पर घेराबंदी लगवा दी गई। 2 अप्रैल गुरुवार की भोर 41 और 57 राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक ऑपरेशन में शामिल हुए। दोपहर 4:30 बजे एक बार फिर आतंकवादी नजर आए और गोलीबारी चली, जिसने भी गोली से जवाब देने के बाद चट्टान से कूदकर कहीं बर्फीली वादियों में गायब हो गए। 2 दिनों तक और पीछा जारी रहा। 2 बार और गोलीबारियां हुई, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। मगर हाँ, अब आतंकवादी कुपवाड़ा के घने जुरहमा जंगल के एक हिस्से में सीमित कर दिए गए थे, जुमागुंड गांव से ज्यादा दूर नहीं। वहां से बाहर निकलने के लिए शनिवार 4 अप्रैल देर रात 4th पैराशूट रेजिमेंट, 4 पैरा SF बटालियन के 2 पलटन खास आयोजन किए गए। ये विशेष बलों का वो हिस्सा है जो उरी हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके थे, अब ध्रुव हेलीकॉप्टर द्वारा नजदीकी बटालियन मुख्यालय के लिए तैनात हुए, जहां से वो रंग दूरी, गुगुल दरा और जुमा गुंड के 3 बेहक क्षेत्र पर नजर रख सके। इस ऑपरेशन का लक्ष्य ये था कि वो ऊंचाइयों का लाभ उठाते हुए आतंकवादियों को कोई नुक्कड़ में फंसा दे। क्वाड क्वाप्टर ड्रोन के सहारे के साथ 5 खास पैराशूटर 10,000 फुट की ऊंचाई पर एयर ड्रॉप किए गए। सूबेदार संजीव कुमार दस्ते के नेतृत्व में थे। उनके पैरों के निशान का पीछा करो। कमांडो ने धीमी सतर्क गति और चारों ओर नजर रखते हुए निशान का पीछा किया। फिर जब रविवार 5 अप्रैल की सुबह होने वाली थी, आगे के सदस्य सूबेदार संजीव कुमार, पैराट्रूपर अमित कुमार और हवलदार छत्रपाल सिंह अनजाने में कंगनी पर चढ़ गए। पहाड़ की चोटी के किनारे एक जमा हुआ बर्फ का टुकड़ा जो उनके इकट्ठे वजन की वजह से टूट कर नीचे गिर गया और वे तीनों खाल की गहराई में गायब हो गए। पूरे 150 फुट नीचे गिरे सीधे एक जमे हुए पहाड़ी नल्हा के ऊपर और ठीक उसी जगह पर आ गिरे जहां आतंकवादी छुपे थे। बावजूद इसके कि नरम बर्फ ने उनकी गिरावट के जोर को कम किया, बाद में किए गए एक्सरे से ये पता चला कि गिरने से उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गई। हैरत आतंकवादी भी फायदेमंद स्थिति में थे क्योंकि वे पहाड़ की आड़ में छिपे हुए थे। जैसे ही कमांडो अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे, आतंकवादियों ने हमला किया। आगामी लड़ाई में आतंकवादियों ने पहले फायदा उठाकर तीनों कमांडो पर लगातार गोलियां चलाई जो मुश्किल से बस 6 फुट की दूरी पे थे। इतने कम फासले पर एनकाउंटर कभी कभार ही होते हैं, ज्यादातर वो हमेशा दूरी से होते हैं। हवलदार अमित कुमार ने 15 गोलियां खाई, जबकि सूबेदार संजीव और पैराट्रूपर छत्रपाल ने भी भारी गोलीबारियों का सामना किया। बावजूद इसके कि वो गिरावट में घायल और खुले मैदान में थे, उन्होंने कैसे भी करके शहीद होने के पहले 5 में से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इसी बीच हवलदार दविंदर सिंह और पैराट्रूपर बालकृष्ण अपने साथियों पर भारी गोलीबारी देखते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना ढलान से नीचे उतरकर युद्ध में शामिल हुए। साथ में वे 3 घुसपैठ आतंकवादियों में से 2 को मार गिराने में कामयाब रहे।
पांचवा आतंकवादी जो वहां से भागा आठवें जाट सैनिक का शिकार बना। बुरी तरह से जख्मी दो सैनिकों को श्रीनगर सैन्य अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन अफसोस दोनों उसी रात शहीद हो गए। बाकी तीन युद्ध स्थल पर ही शहीद हो चुके थे। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। इस चौथे पैरा एसएफ बटालियन में शामिल थे सूबेदार संजीव कुमार, देहरा गांव हटवार, बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश, पैरा ट्रूपर बालकृष्ण उइद गांव कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह छावश्री गांव जुझुन जिला राजस्थान, हवलदार दविंद्र सिंह राणा रुद्रप्रयाग उत्तराखंड और हवलदार अमित कुमार उत्तराखंड। एनकाउंटर का हर एक सेकेंड क्वाड कॉप्टर ड्रोन ने फिल्माया, जिसका पूरा वीडियो फुटेज चौथे पैरा मुख्यालय ने देखा, जिन्होंने गर्व महसूस किया कि उनके बहादुर साथियों ने दस्ते की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। जय हिंद, जय हिंद। शहीद जवानों को बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा और ऑपरेशन रंडोरी बेहक भविष्य में किताबों के सुनहरे पन्नों में दर्ज होकर नए सैनिकों को प्रोत्साहित करेगा। पाकिस्तानी सैनिक द्वारा सीमा पार से गोलीबारी जनवरी से मार्च 2020 तक 1197 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। इस गोलीबारी का मकसद एक ही है कि भारतीय सेना का ध्यान हटाकर वे घुसपैठियों को लाइन ऑफ कंट्रोल से ढकेले। सिर्फ मार्च 2020 में 411 उल्लंघन देखे गए, जो पिछले साल मार्च के 267 उल्लंघनों की तुलना में कुछ ज्यादा ही है। इस घटना के तुरंत बाद कुछ और घुसपैठियों